ज़ वेलकम टू साराज हब जैसे मैंने प्रॉमिस किया है आई एम बैक विथ माई लैपटॉप सेट सो ये मेरा पहला प्रोडक्ट है जो है लैपटॉप एच पी पविलियन गेमिंग फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच वाला लैपटॉप है जो कि मैंने अमेजोन से ख़रीदा है जस्ट सो यू गाइस नो ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है बस मैं आपको मेरे प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ एंड uh, देखते हैं कैसे जाते हैं ठीक है सो so, ये है मेरा लैपटॉप है एंड दिस इज़ द कूलिंग पैड प्रोफेसी आर जी बी कूलिंग पैड जो कि मैंने अमेजोन से लिया है मैंने सारे ये चीज़ें अमेज़न से ली है यार सो क्वेश्चन ही मत किया करो ठीक है सो so, इसके प्राइस एंड लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ सो so, आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन जा सकते हो सो so, हाँ ये भी कूलिंग पैड आर का है ये इतना खास नहीं है एंड इसने मेकूल मेरा जी का टेम्परेचर कम करने के के मामले में बिल्कुल भी काम नहीं आया सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बट इसके साथ साथ मैं इस कूलिंग पैड से पहले ये अल्यूमिनियम कूलिंग पैड सॉरी अल्यूमिनियम स्टैंड अल्यूमिनियम भाई कैसे बोलते हैं उसको स्टैंड यूज़ करती थी ठीक है सो ये अल्यूमिनियम के स्टैंड के बाद मैंने ये वाला कूलिंग पैड यूज़ किया है प्लास्टिक uh, वाला है बाय द वे ये जो का कूलिंग पैड है बट ये अल्यूमिनियम वाला इवन दो इसमें लाइक कूलिंग फीचर नहीं है बट इट्स वेरी स्टर्डी तो अगर आप लोग विदाउट कूलिंग वाला कोई स्टैंड देख रहे हैं तो ये अल्यूमिनियम वाला मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी सो मैं इस यू केबल से अपने कूलिंग पैड को कनेक्ट करती थी जैसे आप लोग देख सकते हैं इट्स द आर ब्लू वाला एंड ऑफकोर्स विदाउट लाइट्स तो बताना ही पड़ेगा यार जो भी चीज़ है आर जी बी है तो भाई लाइट्स के साथ कैसे है कैसे बताऊँ मैं देखो अभी देखो अभी लेफ्ट देखो जर्र घुमाते हैं कैमरा आई है लेस गुम ओके सो ऑफकोर्स आर जी बी लाइक आई प्रोमिस्ड यू इट्स अट्स अ आर जी बी लेफ्ट एंड राइट दोनों की तरफ से आर जी बी है एंड कमिंग बैक टू दिस प्रोडक्ट माई फेवरेट प्रोडक्ट विच इज़ क्यू जी यू एस बी हब मैं इसी हब को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करती थी एंड हर चीज़ लाइक कीबोर्ड माउज़ माई रिंग माई कैमरा एवरी थिंग मैं हर चीज़ इसी से कनेक्ट करती थी अपने लैपटॉप को बिकॉज मेरे लैपटॉप में सिर्फ दो ही यू एस बी पोर्ट्स हैं सो इट वॉज़ वेरी 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 यूजफुल ऑल द टाइम ऑल राइट सो दिस वन इज़ अ हंड्रेड परसेंट रिकमेंड एंड इस प्रोडक्ट के बाद अभी अपन आते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पर विच इज़ ऑफकोर्स द की बोर्ड बॉयस एंड इस कीबोर्ड का नाम है यो जी जी हैच यू ओ जी जी एटी एट मैकेनिकल रेड स्विच वाला की बोर्ड दिस इज़ वन ऑफ माई अदर फेवरेट प्रोडक्ट्स दर आई बॉट फ्राम अमेजो जो मैं ये यू एस बी हब को कनेक्ट करती थी एंड यूज़ करती थी दिस इज़ रियली गुड मैं इससे पहले एक रेड ड्रैगन करूरा वाला यूज़ करती थी गाइस um, उसका पिक्चर मैं स्क्रीन पर कहीं डाल देती हूँ बट वो वाला मेरे हाथों के लिए बहुत लंबा था यार एंड जब मैं नो पिक्सल गई ना सीरियसली मुझको वो हैक्स एंड ऑल टाइप करने नहीं आते थे बिकॉज इट वॉज़ टू बिग इसलिए मैंने ये एटी एट स्विच वाला सॉरी अबाउ द डॉग बार्किंग बेट एटी एट स्विच वाला अपने आप के लिए चूज किया था बिकॉज इट्स स्मॉल एंड इट फिट्स माई नीड्स सो डेफिनेटली रेड ड्रैगन आपके हाथ लम्बे हैं तो रेड ड्रैगन ले लो अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं एंड आपको कंफर्टेबल सा की बोर्ड चाहिए तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन बट वाइट कलर में मत लेना यार बहुत गंदी हो जाती है यार सो एनी वे अ पिक्चर टू शो ऑल ऑफ देम टुगेदर राइट कमिंग बैक टू माई कीबोर्ड्स सॉरी माई माउजेस जो कि तीन हैं ये लेफ्ट साइड से देखोगे ये है ड्रैगन वॉर ई एल ई जी नाइन थोर एंड बीच में है लॉजिटेक का जी वन जीरो एंड सबसे राइट में है लॉजिटेक जी प्रो वायरलेस जो कि अभी मैं यूज़ करती हूँ So, guys, starting with Dragon War uh, mouse, I will not recommend this at all. Yeah, actually, is a weird. it's too broad, it's too fat, doesn't fit my hands. I do not recommend this at all, actually. Yeah, both uncomfortable here I am making this uh, specific review so that I let you guys know about my opinion. Uh, coming back to Logitech uh, G102, it's a very small, very compatible with my hands. But the thing is, I actually compare it. वैलरेंट गेम्स खेलती भी नहीं थी यार बट इसका लेफ्ट क्लिक एंड मिडिल वाला जो रोलर होता है दोनों ही खराब हो गए हैं लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड अप विद दैट दैट इज वाई आई बॉट माई जी प्रो वायरलेस अभी की मैं यूज कर रही हूँ आई थिंक दिस इज अ ग्रेट माउज वायरलेस है सो ऑबियसली बट इसके बारे में आगे रिव्यू होगा बिकॉज ज्यादा दिन या महीने नहीं हुए हैं सो so गाइस ये है मेरा एस का ई नाइन हंड्रेड हेडसेट जो मैं माइक की तरह एज वेल एज सुनने के लिए यूज़ करती थी ऑल थ्रू आउट माई लैपटॉप करियर गेमिंग करियर दिस इज़ द हेडसेट दर आई स्टिल एक्चुअली यूज एंड इसके नीचे है रेड ड्रैगन करोरा का कीबोर्ड जिसके बारे में वो बोल रही थी ये बहुत लंबा है सो आई विल नॉट रिकमेंड फॉर शॉर्ट हंड्रेड पीपल बट या दिस इज़ अ गुड वन आई मीन सॉफ्ट स्विच है सो सो गाइस मैन फ्रोटो का फोन स्टैंड है वेरी स्टर्डी आई विल डेफिनेटली रिकमेंड हाईली रिकमेंड एक्चुअली एंड ये है लॉजिटेक का सी सिक्स वन फाइव कैमरा अपने प्राइस के हिसाब से एच डी क्वालिटी ठीक ही है यार बट येस ये मेरा एक्चुअली कैमरा का स्टैंड है अमेजन बेस सिक्स फिफ्टी इंच ट्राई पॉड प्राइस के हिसाब से सिक्स नाइन्टी एट रुपीज़ बहुत अच्छा है दिस इज़ माई रिंग लाइट डिजिटेक डी आर एल ट Uh, क्या ही बोलूँ इसके बारे में मैं ज़्यादा फेस कैम नहीं करती ये है डिजिटेक का डी टी आर फाइव फाइव जीरो एल डब्ल्यू का स्टैंड हाईली रिकमेंड दिस स्टैंड इज रियली गुड एक्चुअली एंड दिस माउस पैड जो कि मैंने कॉफी गिराया है इसके ऊपर सो इग्नोर किया करो रिया टेक का है एक्स्ट्रा लार्ज सो ऑल ऑफ माई प्रोडक्ट्स टुगेदर ये है फाइनल मैंने मॉनिटर के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है बिकॉज ये मैंने रिसेंटली लिया है बट दिस इज़ अ मोनिटर फ्राम लिनोवा जी सीरीज का है ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट इंच इसके बारे में बाद में कभी वीडियो बनाते हैं बट येस दिस और ऑल ऑफ़ माई प्रोडक्ट्स टुगेदर बॉयज आई होप यू लाइक वॉट आई एम शोन किसी और के बारे में पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में पूछना मत भूलिएगा आई एल गिव यू अ फुल रिव्यू इफ़ यू वॉन्टिड सो गाइस यस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड एंड वॉचिंग आई नो एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो नहीं है बट रिव्यू वीडियो बनाना मेरा इंटेंशन नहीं था मैं बस आपको मेरा सेटअप बताना चाह रही थी ऊपर ऊपर से अगर कोई भी प्रोडक्ट का इन डेप्थ आपको रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन पर मैंशन कर दो आई एल ट्राई एंड मेक इट पॉसिबल बट अब तक के लिए रुकने के लिए थैंक यू सो मच एंड दिस इज माई पिक्चर फोर्सिंग यू माई पिक्चर इज फोर्सिंग यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब आई डू लाइव डे सो डू सब्सक्राइब टू कैच मी ऑन लाइव आई मीन श्योर वाई राइट ठोको सब्सक्राइब बटन को ठोको